दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, जहां पर एक महिला ने एक कैफे में 27 लोगों को कोरोना संक्रमित कर दिया। उस कैफे में उस दौरान 31 लोग मौजूद थे और जिन 4 कर्मचारियों को ये कोरोना वायरस नहीं हुआ उसकी एक वजह है। क्या आप जानते हैं कि वो वजह क्या थी? वो वजह थी फेस मास्क। कर्मचारियों ने उस दौरान सभी के संपर्क में आने के बावजूद भी फेस मास्क का इस्तेमाल किया और यही वजह है कि वो कोरोना से बच गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। कोरोना वायरस के मामले पूरे देश भर में 32 लाख के पार पहुंच गए हैं। आप लोग भी हमसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि आखिर कोरोना वायरस हमारी जिंदगियों से जाएगा कब। इस सवाल का जवाब आप ही के पास है और आप ही इस सवाल का जवाब है। दरअसल कोरोना वायरस हम ही फैला रहे हैं और हम ही इसे रोक सकते हैं, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहा है ICMR। कैसे, जानिए। दरअसल ICMR के प्रमुख बलराम भार्गव से जब पूछा गया कि आखिर वो कौन है जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। I think it's a good question, who is driving the pandemic? It is, I would not say younger people or older people, I would say irresponsible people who are not using the mask are the ones who are driving the pandemic, who are not maintaining distance, who are not using the, and who are casual. Because there is a group of people that there is no need to be frightened about this pandemic, and there is a group who are very cautious. दरअसल कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना संक्रमण की स्थिति विस्फोटक रूप लेती हुई नजर आ रही है। देश में 25 अगस्त तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 32 लाख के पार पहुंच गई। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां संक्रमण की स्थिति विस्फोटक रूप लेती हुई नजर आ रही है। वहीं कोरोना के कारण अब तक 59,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये तो आप जानते ही होंगे कि कोरोना आखिर होता कैसे है। जब संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कोरोना ऐसे ही फैलता है। खांसते हुए या बोलते समय मुंह से कई हजार बूंदें निकलती हैं। ये खतरनाक बूंदें होती हैं जिसकी वजह से दुनिया की तमाम संस्थाएं कोरोना वायरस के समय फेस मास्क लगाने की सलाह देती हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने एक प्रेसवार्ता में ये भी बताया कि देश में कोरोना फैलने के कुछ प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने मास्क नहीं पहनने या सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने से भारत में कोरोना वायरस महामारी बढ़ रही है। भार्गव का ये भी कहना है कि ICMR ने दूसरी राष्ट्रीय सीरो सर्वे शुरू किया है जो सितंबर के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा। सीरो सर्वे में किसी बड़ी आबादी में कोरोना संक्रमण के फैलने का पैटर्न पता चलता है। देश में कई बार ये भी बहस होती है कि कौन सा फेस मास्क बेहतर है, तो आपको ये भी बता दें कि 3 लेयर वाला मास्क सबसे बेहतर होता है, चाहे वो आप घर पर बनाएं या फिर बाहर से खरीदें। ऐसा N95 मास्क जिसमें वाल्व नहीं होता वो फेस मास्क भी अच्छा प्रदर्शन करता है। इसके साथ ही जो फेस मास्क आप घर पर बनाते हैं, चाहे वो कॉटन का हो या फिर किसी और फैब्रिक का, 3 लेयर का होगा तो वो काम करेगा। देश के कई ऐसे राज्य, कई शहर और कई कस्बे हैं जहां किसी चौराहे पर अगर आप खड़े हो जाएं तो आपको किसी भी बाजार में पहुंच जाएं तो लोग बिना मास्क के अच्छी खासी संख्या में नजर आ रहे हैं। ना तो लोगों को प्रशासन का डर है और ना ही कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा। जैसे जैसे हम कोरोना काल में लॉकडाउन से अनलॉक 4.0 की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोग सरकार और WHO की दी गई गाइडलाइंस का पालन करने में कोताही बरत रहे हैं। यही नहीं, WHO ने फेस मास्क पहनने को लेकर लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, मुहिम तक चलाई है। लेकिन जैसा ICMR के प्रमुख का कहना है कि देश और दुनिया में दो धड़ नजर आ रहे हैं जिनमें से एक धड़ा ना मास्क पहन रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। कोरोना काल में जब हमारी जिंदगियां पटरी पर आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी की पटरी से कोरोना वायरस नीचे उतर गया है। वो अभी भी हमारे बीच में है, हमारे आसपास में कहीं मौजूद है। इसलिए आपको जितना हो सके इसे दूर रहना है और इसे दूर रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको फेस मास्क लगा के रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको अपने हाथ बार बार धोते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।